अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हम पढ़े थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट गैल्वेनिक सेल्स। हमने उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि हाउ दिस सेल एक्चुअली वर्क आउट। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल से पहले जरा थोड़ा समय कंस्ट्रक्शन को रिवाइज कर देती हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास दो हाफ सेल्स होते हैं। उन दो हाफ सेल्स में हमारे पास सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होती है, और उस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स डिप हैं। इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अपने अपने सॉल्यूशन में डिप हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है तो वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होगा। कॉपर इलेक्ट्रोड है तो वो अपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वायर के जरिए कनेक्ट किया हुआ है, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और ये जो दो सॉल्यूशंस हैं, इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक यू शेप्ड ब्रिज के जरिए, जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज। अब कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास वैसे यूजली जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखते हैं या जब भी हम कोई और सेल है, कॉमनली जब भी हम नाम सुनते हैं एनोड का, तो हमारे जहन में पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब हम नाम सुनते हैं कैथोड का तो नेगेटिव चार्ज विल कम टू आवर माइंड, कि हाँ जी इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। लेकिन हमने कहा कि हमने देखा भी कि जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो एनोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जो कैथोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है, जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जो जिंक है, क्योंकि जो एनोड है वो किसका बना हुआ है, जिंक का। जिंक जो है ये हमारे पास अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है। ये जिंक जब सॉल्यूशन में से इस एनोड के ऊपर जाएगा, जिंक प्लस टू, वहां पे जाके ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब एनोड को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू लें तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ जाएगा। अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एनोड के पास भी पॉजिटिव है मेटल आइंस है, कैथोड के पास भी पॉजिटिव मेटल आइंस है, इस वजह से यहां पर केस डिफरेंट है। अब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इजिली एनोड के ऊपर लूज करेगा, और एनोड के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन फिर एनोड के साथ, क्योंकि हमने वायर अटैच की है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के जरिए ट्रेवल करते हुए जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब कॉपर एज कंपेयर टू जिंक लेस रिएक्टिव है। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे कैथोड की तरफ जाएंगे, तो ये कॉपर क्या करेगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। जो इलेक्ट्रॉन एनोड से आए हैं, कॉपर क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में चेंज। अब कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, इस वजह से कैथोड के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज शोइंग दैट यू आर गिविंग इलेक्ट्रॉन, दैट यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नेगेटिव चार्ज शोइंग दैट कि यू हैव सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और या आपने गेन किए या आपके पास है। तो अब कैथोड के ऊपर जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आए थे एनोड से, तो वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं और न्यूट्रल एटम में चेंज हो गया है। फिर यहां पर कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन की ट्रेवलिंग हुई है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट।
तो जब इलेक्ट्रॉन इस वायर से फ्लो करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है वोल्ट मीटर, उस वोल्ट मीटर के ऊपर उसकी जो सुई है वो घूमना शुरू होगी, हमें पता चल जाएगा यस इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड। यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुई है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन कि जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, दोनों ने जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए एनोड को, उसको नेगेटिवली चार्ज कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन्स वायर के जरिए ट्रेवल किए एंड देन गोज टू कैथोड, कैथोड ने फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉपर को, कॉपर न्यूट्रल एटम में चेंज हो गया, कॉपर भी डिपॉजिट हो गया, जिंक भी डिपॉजिट हो गया और फिर इलेक्ट्रॉन्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई। ये हमारे पास दैट इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहां पर आपको रीजन समझ आ गई है कि एनोड के ऊपर नेगेटिव और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। अब हम जरा देखते हैं कि इनकी क्या रिएक्शन होता है। जिंक प्लस टू था, जिंक जैसे मैंने आपको बताया कि रिएक्टिव है, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किसमें चेंज हो गया, न्यूट्रल में, ठीक, न्यूट्रल में चेंज हो गया, न्यूट्रल एटम में जब अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये हुई है एनोड के ऊपर, क्या हुई है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के जरिए ट्रेवल किए और चले गए कहां पर, कैथोड पर। कैथोड पर हमारे पास सॉल्यूशन से कॉपर आयंस मूव करेंगे, वो कॉपर आयंस क्या करेंगे, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको एक्सेप्ट करेंगे और चेंज हो जाएंगे कॉपर में। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ है, जिंक प्लस टू प्लस कॉपर प्लस टू, और हमारे पास क्या बना, जिंक प्लस कॉपर, ऐसा ही है ना, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो ये थी हमारे पास वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि ये गैल्वेनिक सेल किस तरह से काम कर रहा है और क्यों ऐसा काम करता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस, तो वो यही हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया, मूव किया और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गई, जो कि हमें पता चल जाती है वोल्ट मीटर से। साल्ट ब्रिज का काम बस यही है कि इसने इन दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखना है, दैट्स ऑल, और इसका कोई रिएक्शन में इतना खास काम नहीं है। खास काम ये मेन वायर का ही था और एनोड और कैथोड का था। तो ये थी वर्किंग कल हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के दरमियान में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनके दरमियान डिफरेंस कैसा होता है। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।